22 मई 1974 निस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, गर्मियों की आमद आमद है, कहाँ जाना चाहिए, अजी शुमाली इलाके जात का विजिट करना चाहिए। ये वो जमाना है जब रेलगाड़ियां चलती हैं, तलबा बैठे, एक बोगी फुल हुई, वो डब्बा चला, रेल चली, जब पहुंची चनाब नगर, उस जमाने का रव्वा स्टेशन जिला चिन्योट से गुजरी, तो कादियानी जब तक काफर अकलियत करार नहीं आए थे, दंदनाते फिरते थे, दावतें देते थे, कुत्ते के गोश को बकरे के नाम पे बेचते थे, गधे के गोश को गाय के नाम पर पेश करते थे, पेशाब को जामशीरी का लेबल लगाकर लोगों में बतलाते थे। तो क्या हुआ, कादियानी खुद्दाम अहमदिया की बदनाम जमाना पार्टी, ये वहां स्टेशन पे आए, एक एक मुसलमान, एक एक पैसेंजर, एक एक सवारी को मिर्जा का लिटरेचर दिया, का ये पढ़ो, ये देखो, मिर्जे को नबी मानो। निस्तर मेडिकल कॉलेज के जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन डॉक्टर्स तलबा थे, अभी जेर तामीर स्टूडेंट थे, डॉक्टर अभी नहीं बने थे, शायद डॉक्टर बन के टीका लगाते, बात की बात थी, उन्होंने आंखों आंखों में देखा, एक कलमा किस लिए पड़ा है, हुजूर की गुलामी का तौक गले में क्यों डाला है, और दुश्मन कुफर को इस्लाम बनाकर पेश कर रहा, आओ इनसे दो दो हाथ करते हैं। मुसलमानों ने कादियानियों के साथ दो दो हाथ किए, ये जलील हुए, मार खाई, खवार हुए, भागे, लिटरेचर को फेंका, पतली गली से निकले, तलाबा चले गए। 29 मई को जब ये वापस आ रहे थे, कादियानियों ने जो मास्टर स्टेशन था उसकी मिली भगत में कहा कि इस स्टेशन से पहले का जो स्टेशन है वहां पर गाड़ी रोके, शेड्यूल में वहां स्टॉप नहीं था गाड़ी का, तरतीब में वहां रुकना नहीं था, इन्होंने गाड़ी रुकवाई, वहां पर डंडों से लैस, असले से लैस, सरिये से लैस, बाकी चीजों से ये कादियानी मुसल्ला उस बोगी में घुसे, उन बच्चों को मारा, उन्हें किसी को इतना जख्मी किया, कोई बेहोश हो गया, क्या से क्या हुआ, ये गाड़ी बाप में जब शदीद जख्मी हो चुके थे, आराम से ये ईमान के डाकू वारदात करके निकल चुके थे, फिर गाड़ी को चलाया गया। जब ये बात मुल्क में आई, मुल्क में गम की एक बात फैली, एक तहरीक उठी, मजलिस अमल तहरीक खत्म नबुव्वत के नाम से रावलपिंडी में उलमा इकट्ठे हुए, उकाला में इकट्ठे हुए, मुल्तान में इकट्ठे हुए, लाहौर में इकट्ठे हुए, और कराची में मुहद्दिस जलील बिन नौरी टाउन के बानी अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह शागिर्द रशीद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, ये उठे और उलमा बैठे, मशवरा किया, जमात बनाई, मुल्तान में आदमी मजलिस का इजलास हुआ, तय ये हुआ तारीख चलेगी, शटर डाउन, हड़ताल होगी, भैया जाम होगा, अगर हुजूर पाक की तहफ्फुज़ हम धरती पे नहीं कर सकते तो कुछ नहीं चलेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। खामोश भाई, भाई भाई, ये हमारे काबिर का तर्ज नहीं है, हम दलील की दुनिया में बात करते हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी के दौर में काफिर काफिर कादियानी काफिर का नारा नहीं लगा, आप क्यों लगाते हैं? खामोश रहिए। काफिर काफिर कहकर तबलीग करने का क्या अंदाज है? दलील में बात पेश करो। कभी हमारे स्टेजेस पर इस तरह की बात नहीं हुई, आप ख्याल कीजिए। मौलाना आप हजरात नाराज ना हो, मैं मेहमान भी जानता हूँ, मुसलमान भी जानता हूँ, जलसों में मेहमान भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, मेहमान भेजा हुआ आता है। तवज्जो मेरे दोस्तों, जब ये बात चली और मामला सड़कों से ऐवानों तक पहुंचा, उस वक्त की हुकूमत में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद थे, इन्होंने 2 जून के अपने नशरियाती खिताब में कहा कि पूरी कौमी असेंबली को मैं खसूसी कमेटी बना रहा हूं, जो ये फैसला करेगी पूरा मुल्क कबूल करेगा। खसूसी कमेटी बनी, मामला तय हुआ,
और तय करके कादियानियों को खुला मौका दिया गया। कादियानियों के दो फिरके हैं, एक कादियानी मिर्जाई, एक कादियानी लाहौरी, दोनों को मौका दिया गया, असेंबली बुलवाया गया। हालांकि मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली असेंबली में आ सकता है, खुसूसी कमेटी ने ऑर्डिनेंस सदारती के जरिए ये बिल पास किया कि ये भी आ सकते हैं, अपनी सफाई पेश करें, दलील पेश करें, एविडेंस पेश करें, प्रूफ पेश करें, सबूत पेश करें, हम मुसलमान हैं, आओ बात चलती है। ये बात चली तो कादियानी मिर्जा का पोता मिर्जा नासिर बशीरुद्दीन महमूद का बेटा ये आया कादियानियों की तरफ से, डॉक्टर अब्दुल करीम आया लाहौरी कादियानियों की तरफ से, 11 दिन मौका दिया गया, कादियानियों आओ अपने कुफर को इस्लाम में पेश करके दिखाओ, आओ पेश करो, खुला मौका। 11 दिन की मामलात के बाद एक दलील न दे सके और 2 दिन इसको मिले, दूसरे छोटे फिरके को 13 दिन के मौके के बाद जब बात न बनी। यहां रुक कर एक बात करूं, जो इन दलीलें पेश की हैं वो क्या थी, आओ सुनो। कहा कुरान करीम में है, जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी, सूरत नंबर 33 सूरत आजाब आयत नंबर 40, रब्बे कायनात फरमाते हैं वखातमन नबीयीन, हुजूर पाक खातमुन नबीयीन हैं। का खत्म नबुव्वत के दो माना, एक माना है खत्म माना आखिरी, एक माना है मोहर लगाना, लिहाजा हुजूर पाक मोहर लगाते थे और मिर्जा नबी बन गया था। हजरत मुफ्ती महमूद अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए, मुसलमानों के कायद थे, तमाम मसालिक बरेलवी देवबंदी आले हदीस इनकी क़ियादत में जमा थे। मौलाना मुफ्ती महमूद ने फरमाया ये आयत न तुझ पे उतरी न मुझ पे उतरी, न तेरे दादे पे उतरी न मेरे दादे पे उतरी, ये आयत उतरी है रसूलुल्लाह पे। सुनिए सहाबा ने, आओ सहाबा कराम के दरबार पे हाजिरी देते हैं, आओ सहाबा और आले बैत से पूछते हैं बताएं, ए मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की जमात इस आयत का माना क्या है। अगर हुजूर के सहाबा कह दें मोहर वाला नबी तो तुम सच्चे, वो कह दें आखिरी नबी तो फिर हम सच्चे। जब ये बात हुई ना तो कादियानी के चेहरे पे पहले 12:15 फिर 12 फिर 12:15 फिर 12:30 बज गए, एक जगह नहीं रुकी। क्यों? आज भी अहले बातिल को पकड़ने का ये नुस्खा है, वो आयत पेश करे और दलील में हदीस लाए, आप कहें इस आयत और हदीस का मतलब हुजूर के सहाबा ने समझा था, अगर तेरी तायद करे तो तू सच्चा और हमारी तायद करे तो हम सच्चे। ये वो कसवटी है, ये ऐसा नट है जो हर काबले पे चढ़ जाता है। दलील की दुनिया में ऐसा उसूल है, ऐसा ज़ाबता है जो हर बातिल को डाको चने चबवा देता है। मेरा उन्वान खत्म नबूवत है, मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो मिर्जा कादियानी की जुर्रियत का मुंह काला, तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने मुस्तदरक पेश की, हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नदुल बज़ार पेश की, का इन हवालों को देखो, अल्लाह के रसूल ने इसका मतलब बताया, अन आखरुल अंबिया व अंतुम आखरुल उमम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अब तो कादियानियत खत्म ना, 13 दिन के मामलात के बाद जब ये कादियानी वहां से निकले, जलील ख्वार हुए, अब कानून साजी का मरहला था, जब कानून लिखा जा रहा था उन दौरान में उस वक्त के जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम ने हजरत मुफ्ती महमूद साहब को बुलाया और पूछा, हजरत सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, पार्टियों का मामला अपनी जगह, ईमान से खबर आखरत को सामने रख के बताइए, ये मैं जो कर रहा हूं क्या मुझे मेरे नबी की सिफारिश मिलेगी। अल्लाह हो, मेरे दोस्तों बात सच्ची हो तो एतराफ़ करना चाहिए। मैं आज बड़े खुले लफ्जों में कहता हूँ, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह की ज़ात बड़ी करीम है, अल्लाह अपने नबी से बड़ा प्यार रखता है, हो सकता है इस वजह से अल्लाह ने मग़फ़रत फरमा दिया, इस वजह से सलामी है, इस वजह से खराज अकीदत है। मेरे दोस्तों
हजरत ने फरमाया खुदा की कसम मैं ईमान सामने रख के हुजूर पाक की मोहब्बत का दम भरते हुए कहता हूं तुम जन्नत का टिकट ले रहे हो। और उसने दबाव कबूल नहीं किया, चाहे अमेरिका दबाव दे रहा था या उस वक्त के आर्मी चीफ जो मिल्लत कादियानी से ताल्लुक रखते थे, जो दबाव था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसे पांव की नोक पे यूं रखा जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक मारी जाती है। और ये कानून बना, और जब बन रहा था तो हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह से उस वक्त के कातिब ने कहा, शायद पता नहीं कादियानियों से कोई प्यार होगा, कहा हजरत जो आप लफ्ज लिखवा रहे हैं कि मिर्जा कादियानी के मुत्तबईन, आप ऐसा करें कादियानी का नाम न लिखवाएं, वैसे लिखवा दे खत्म नबूवत का मुनकर। हजरत ने पूछा क्यों वजह, उन्होंने कहा ये पलीत नाम है, इससे आइन पलीत हो जाएगा। क्या जवाब दिया यार मौलाना मुफ्ती महमूद ने, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कुरान करीम पाक किताब है, कहा जी हाँ, कहा वहां शैतान का नाम, कारून का नाम, फिरऔन का नाम, हामान का नाम, बड़े बड़े काफरों के नाम है, अल्लाह ने जो लिखे हैं इन पलीतों के नाम क्यों हैं? उन्हें कहा जी पहचान के लिए, का कुरान करीम इस नाम के आने से नापाक नहीं होता और हरगिज नहीं होता, तो फिर ये आईन भी नापाक नहीं होगा, मिर्जे को काफिर लिखो, वो आज तक लिखा हुआ है। और मैं तीसरा पॉइंट पेश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ये जब आईन बन गया, कानून बन गया कि कादियानी काफिर अक़लियत है, नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गए, ये यहां से दौड़े और लंदन में जाके अपने अब्बा अंग्रेज के कदमों में पनाह ली। हम कहते हैं ना खुद काश्ता पौधा है अंग्रेज का, वहां पहुंचे। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً।